हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जेंडर के कुछ एग्जांपल्स हैं और उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे मॉस्कुलाइन, अगर मैं मॉस्कुलाइन में लिखती हूँ फादर, तो फादर का फेमिनाइन क्या हो जाएगा? फेमिनाइन जेंडर मदर, क्या हो जाएगा? मदर। नेक्स्ट अगर मैं लेती हूँ यहाँ पे बॉय, तो बॉय का फेमिनाइन जेंडर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? गर्ल। क्या हो जाएगा? गर्ल, ठीक है। नेक्स्ट लेती हूँ मैं ग्रैंडफादर, ना फादर्स फादर इसको बोलते हैं हम, पापा के पापा यानी कि हमारे दादा। तो ग्रैंडफादर का फेमिनाइन जेंडर क्या हो जाएगा? ग्रैंड मदर, ऊपर है वैसे ग्रैंड मदर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सर, अगर हमारा मस्कुलाइन सर है मतलब पुल्लिंग, तो इसका स्त्रीलिंग फेमिनाइन क्या हो जाएगा? सर का क्या हो जाएगा? आप हमेशा यूज करते हैं स्कूल में मैम यानी कि मैडम, मैम तो शॉर्ट फॉर्म है, क्या हो जाएगा? मैडम। तो सर का हो जाएगा मैडम, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा हस्बैंड मतलब पति, तो आप उसका फेमिनाइन जेंडर क्या होगा? पति का पत्नी होता है, तो आप पत्नी को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? वाइफ। क्या हो जाएगा? वाइफ। हस्बैंड का क्या हो जाएगा? वाइफ। नेक्स्ट है सन, सन सन को बोलते हैं बेटा, हिंदी में इसका फेमिनाइन जेंडर क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग क्या होगा? बेटी। बेटी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम? डॉटर। क्या लिखेंगे? डॉटर। सन का क्या हो जाएगा? डॉटर। सन की स्पेलिंग एस ओ एन होती है, सन मतलब बेटा, एस यू एन अलग होता है, उसका मतलब होता है सूरज, ठीक है, तो ध्यान रखना। नेक्स्ट है हमारा किंग, किंग का मतलब होता है राजा, क्या होता है? राजा। तो राजा का स्त्रीलिंग क्या होगा? रानी, और रानी को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? क्वीन। क्या बोलते हैं? क्वीन। क्या हो जाएगा हमारा? क्वीन। इस तरह से हमने मस्कुलाइन और फेमिनाइन का, मस्कुलाइन को फेमिनाइन क्या होगा और फेमिनाइन का मस्कुलाइन क्या होता है हम कर सकते हैं। जैसे कोई पूछा आपको कि फादर का फेमिनाइन जेंडर क्या होगा? मदर। इससे उल्टा भी पूछ सकते हैं कि बताओ कि मैं मैडम का मस्कुलाइन जेंडर क्या होगा, तो हम क्या कहेंगे? सर। क्या होगा? सर। तो इस तरह से दोनों एक दूसरे के उल्टे हो सकते हैं। इस तरह से हमने कुछ मस्कुलाइन और फेमिनाइन जेंडर के बारे में पढ़ा। और पढ़ लेते हैं हम कॉमन जेंडर के बारे में। कॉमन, और इधर हो जाएगा हमारा न्यूट्रल, न्यूट्रल कॉमन जेंडर। कौन कौन से होते हैं कॉमन जेंडर? क्या होती है डेफिनेशन कॉमन जेंडर की? जिसमें फीमेल और मेल दोनों हो सकते हैं। तो ऐसे कौन कौन से है जो मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं? जैसे हम फर्स्ट लेते हैं स्टूडेंट, दोनों हो सकते हैं, लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकती है ना। बेबी, बेबी जब तक छोटा बच्चा होता है हमें पता नहीं होता है कोई लड़का है लड़की, तो हम उसको बेबी ही बोलते हैं, तो वो किसमें आएगा?
कॉमन जेंडर, जब तक हमें पता नहीं चलता कि वो लड़का है या लड़की है, चाहे लड़का है या लड़की है, हम छोटे से बच्चे को बेबी ही बोलते हैं, है ना। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा टीचर। टीचर दोनों हो सकते हैं, मेल और फीमेल, है ना, एक लड़का भी हो सकता है लड़की भी हो सकती है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा डॉक्टर। ऐसा तो है नहीं कि सारे डॉक्टर लड़कियां ही होती है या सारे डॉक्टर लड़के ही होते हैं, नहीं, दोनों हो सकते हैं, लड़के और लड़का और लड़की। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा पायलट। पायलट कौन होता है, कौन होता है जो हवाई जहाज उड़ाता है, वो हमारा पायलट, वो दोनों हो सकता है, लड़का भी और लड़की भी। तो ये कुछ एग्जांपल्स है जो कॉमन जेंडर के थे। अब हम लेंगे न्यूटर के। न्यूटर जेंडर, न्यूटर जेंडर वो होते हैं जिसमें सारी कौन सी थिंग्स आती है, नॉन लिविंग थिंग्स, यानी कि जो थिंग्स मूवमेंट नहीं कर सकती, चल नहीं सकती, फिर नहीं सकती, खा नहीं सकती, पी नहीं सकती, वो होती है हमारी नॉन लिविंग थिंग्स, जैसे बुक। क्या बुक मूवमेंट करती है अपने आप, उसके पैर आ जाते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकती है, नहीं। पेन, ठीक है, पेंसिल, और क्या जाएगा, बैग, और हो जाएगा हमारा माइक्रोवेव, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन है माइक्रोवेव। तो ये हमारे हो गया न्यूटर जेंडर, ठीक है। तो हमने जेंडर के बारे में पढ़ लिया है, कितने होते हैं, 4 टाइप्स होते हैं, मस्कुलाइन जो कि जिसमें सारे कौन कौन आते हैं, मेल यानी कि सारे लड़के जितने भी आदमी हैं वो आते हैं, फेमिनाइन में आ जाएंगी हमारी सारी फीमेल्स, गर्ल्स जितने भी लेडीज होती है, वीमन, ठीक है, वो आ जाएगी। फिर थर्ड है हमारा कॉमन जेंडर जिसमें दोनों होते हैं, बोथ यानी कि वुमेन भी और मैन भी, और हमारा लास्ट हो जाएगा न्यूटर जिसमें कौन सी थिंग्स आती है, नॉन लिविंग थिंग्स आती है। तो आज हमारा टॉपिक था जेंडर, वो हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट टॉपिक हमारा नेक्स्ट वीडियो में होगा।